हाई स्कूल में मैं मूर्ख नहीं माना जाता था। शिक्षकों के प्रति प्रेम भावना हमेशा प्रकट करता रहा। हर साल माँ बाप को विद्यार्थी की पढ़ाई व चाल चलन के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते। उनमें कभी मेरी पढ़ाई या चाल चलन की शिकायत नहीं की गई। दूसरे दर्जे के बाद तो इनाम भी पाए और पांचवे तथा छठे दर्जे में तो क्रमशः 4 रुपए और 15 रुपए मासिक छात्रवृत्तियां भी मिली थी। छात्रवृत्तियां मिलने से मेरी योग्यता की अपेक्षा भाग्य ने अधिक सहायता की। छात्रवृत्तियां सब लड़कों के लिए नहीं थी और उस समय 40-50 विद्यार्थियों की कक्षा में सौराष्ट्र प्रांत के विद्यार्थी बहुत कम होते थे। अपनी तरह से तो मुझे यह याद आता है कि मैं अपने को बहुत योग्य समझता था। इनाम अथवा छात्रवृत्ति मिलते तो मुझे आश्चर्य होता, परंतु हाँ, अपने आचरण का मुझे बड़ा ख्याल रहता। सदाचार में यदि चूक होती तो मुझे रोना आ जाता। यदि मुझसे कोई ऐसा काम बन पड़ता जिसके लिए शिक्षक को उलाहना देना पड़े अथवा उनका ऐसा विचार भी हो जाए तो मेरे लिए असहाय हो जाता। मुझे याद है कि एक बार मैं पिटा भी था। मुझे इस बात पर तो दुख न हुआ कि मैं पिटा, किंतु इस बात का बहुत दुख हुआ कि मैं दंड का पात्र समझा गया। मैं फूट फूट कर रोया। यह घटना पहली या दूसरी कक्षा की है। उस समय दरोबजी एदलजी गिमी हेडमास्टर थे। वे अनुशासन प्रिय थे। वे अनुशासन के नियमों का पालन करवाते, विधि पूर्वक काम करते और काम लेते तथा पढ़ाई अच्छी कराते। उन्होंने ऊंचे दर्जे के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम, क्रिकेट आदि अनिवार्य कर दिए थे। मेरा जी खेल में न लगता था। खेल अनिवार्य होने के पहले मैं व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने कभी न जाता था। अनजाने में मेरा झेपूपन भी एक कारण था। अब मैं देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति यह अरुचि मेरी भूल थी। उस समय पर मेरे अंदर ऐसे गलत विचार थे कि व्यायाम का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। पीछे जाकर मैंने जाना कि व्यायाम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी शिक्षा। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत में न जाने से मुझे कोई नुकसान न हुआ। इसका कारण है, पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना अच्छा होता है। यह मुझे पसंद आया और तभी से घूमना अच्छा लगने के कारण घूमने जाने की मुझे आदत पड़ गई, जो कि अब तक है। घूमना भी एक प्रकार का व्यायाम है और इस कारण मेरा शरीर थोड़ा बहुत सुगठित हो गया। अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा, शुश्रूषा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर पहुंचकर उनकी सेवा में जुड़ जाता। जब व्यायाम अनिवार्य कर दिया गया तब इस सेवा में विघ्न उपस्थित होने लगा। मैंने अनुरोध किया कि पिताजी की सेवा करने के लिए व्यायाम से मुक्ति मिलनी चाहिए, परंतु गिमी साहब क्यों कर मुक्ति देने लगे। एक शनिवार को सुबह का स्कूल था। शाम को 4 बजे व्यायाम में जाना था। मेरे पास घड़ी न थी। आकाश में बादल छा रहे थे, इस कारण समय का पता न चल सका। बादलों से मुझे धोखा हुआ। जब तक व्यायाम के लिए पहुंचा तब तक सब लोग चले गए थे। दूसरे दिन गिमी साहब ने हाजिरी देखी तो मुझे गैर हाजिर पाया। मुझसे कारण पूछा। कारण तो जो था वही मैंने बतलाया। उन्होंने उसे सच न माना और मुझ पर 1 या 2 आना ठीक याद नहीं जुर्माना कर दिया। मुझे इस बात से अत्यंत दुख हुआ कि मैं झूठा समझा गया। मैं यह कैसे सिद्ध करता कि मैंने झूठ नहीं बोला, पर कोई उपाय न रहा था। मन महसूस कर रह जाना पड़ा। मैं रोया और समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई के दिनों में मेरी वह पहली और आखिरी भूल थी। मुझे कुछ कुछ स्मरण है कि अंत में वह जुर्माना माफ कर दिया गया था। कुछ दिन बाद व्यायाम से छुट्टी मिल गई। पिताजी की चिट्ठी जब हेडमास्टर को मिली कि मैं अपनी सेवा शुश्रूषा के लिए स्कूल के बाद इसे अपने पास चाहता हूँ, तब जाकर उससे छुटकारा मिला। व्यायाम की जगह मैंने घूमना जारी रखा। इस कारण शरीर से मेहनत न करने की भूल के लिए शायद सजा न भोगनी पड़ी हो, परंतु एक दूसरी भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में सुलेख होना आवश्यक नहीं। यह कुबुद्धि मेरे मन में न जाने कहाँ से आ गई, जो ठेठ विलायत जाने तक रही। खासकर दक्षिण अफ्रीका में
वहाँ जहाँ वकीलों के और दक्षिण अफ्रीका में जन्मे व पढ़े युवकों के मोती की तरह अक्षर देखे, तब तो मैं बहुत लजाया और पछताया। मैंने देखा कि लेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। मैंने पीछे अपना लेख सुधारने की कोशिश की, परंतु पके घड़े पर कब मिट्टी चढ़ सकती है, जिस बात की अवहेलना मैंने बचपन में की, उसे मैं फिर आज तक न सुधार सका। हर एक नवयुवक और युवती मेरे उदाहरण को देखकर चेते और समझे कि सुलेख शिक्षा का आवश्यक अंग है। लेख सुधारने के लिए लेखन कला आवश्यक है। मैं तो अपनी यह राय बता रहा हूँ कि बालकों को आलेखन कला सीखनी चाहिए। जिस प्रकार पक्षियों और वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से पहचान लेता है, उसी प्रकार अक्षरों को भी पहचान लेता है। जब आलेखन कला सीखकर चित्र आदि बनाना सीख जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर सुंदर हो जाएंगे। संस्कृत मुझे रेखागणित से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ी। रेखागणित में तो रटने की कोई बात ही न थी, परंतु संस्कृत में मेरी दृष्टि से सब रटना था। यह विषय भी चौथी कक्षा में शुरू होता था। छठी कक्षा में जाकर इस विषय से मेरा तो दिल बैठ गया। संस्कृत शिक्षक बड़े सरल थे। विद्यार्थियों को बहुतेरा पढ़ा देने का लोभ उन्हें रहा करता। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा रहती है। फारसी के मौलवी साहब नरम आदमी थे। विद्यार्थी आपस में बात करते कि फारसी बड़ी सरल है और मौलवी साहब भी बड़े आदमी हैं। विद्यार्थी जितना याद करता है उतने पर भी वे निभा लेते हैं। सरल होने की बात से मैं ललचाया और एक दिन फारसी की कक्षा में जा बैठा। संस्कृत शिक्षक को इससे दुख हुआ। उन्होंने बुलाया और कहा, यह तो सोचो कि तुम किसके लड़के हो, धर्म की भाषा तुम नहीं पढ़ना चाहते, तुमको जो कठिनाइयां हो सो मुझे बताओ। मैं तो समस्त विद्यार्थियों को अच्छी संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ, आगे चलकर तो इसमें रस की घूंटे मिलेंगी, तुमको इस तरह निराश नहीं होना चाहिए, तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो। मैं शर्मिंदा हुआ, शिक्षक के प्रेम की अवहेलना न कर सका। आज मेरी आत्मा मास्टर कृष्ण शंकर का उपकार मानती है, क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने उस समय पढ़ी थी, यदि उतनी भी न पढ़ी होती तो आज मैं संस्कृत के शास्त्रों का जो आनंद ले रहा हूँ वह न ले पाता, बल्कि मुझे इस बात का पश्चाताप रहता कि मैं संस्कृत अधिक न पढ़ सका। क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि किसी भी हिंदू बालक को संस्कृत का अच्छा अध्ययन किए बिना नहीं रहना चाहिए। अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष की उच्च शिक्षा में मातृभाषा के उपरांत राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के लिए भी स्थान होना चाहिए। इतनी भाषाओं की गिनती में किसी को डर जाने की आवश्यकता नहीं। यदि विधि पूर्वक भाषाएं पढ़ाई जाए और सब विषयों का अध्ययन अंग्रेजी के द्वारा करने का बोझ हम पर न हो तो ये भाषाएं भार न मालूम हो, बल्कि उनमें बड़ा रस आने लगे। फिर जो एक भाषा को विधि पूर्वक सीख लेता है उसे दूसरी भाषाओं का ज्ञान सुगमता से हो जाता है। सच पूछे तो हिंदी, गुजराती, संस्कृत इन्हें एक ही भाषा मानना चाहिए। यही उर्दू, फारसी और अरबी के लिए कह सकते हैं। मैंने 6-7 साल की उम्र से लेकर 16 वर्ष तक का विद्या अध्ययन किया, परंतु स्कूल में कहीं धर्म शिक्षा न मिली। जो चीज शिक्षकों के पास से सहज ही मिलनी चाहिए थी वह न मिली। फिर भी वातावरण से तो कुछ न कुछ धर्म प्रेरणा मिला करती थी। यहाँ धर्म का व्यापक अर्थ लेना चाहिए। धर्म से मेरा अभिप्राय आत्मज्ञान से है। मैं अच्छी तरह इस बात का अनुभव कर रहा हूँ कि बचपन में पड़े शुभ अशुभ संस्कार बड़े गहरे हो जाते हैं, और इसीलिए यह बात अब मुझे बहुत खल रही है कि लड़कपन में कितने ही अच्छे ग्रंथों का श्रवण पाठ न हो पाया।